नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जीवनसाथी.com शादी.com पर दोस्ती कर लाखों रुपए की ठगी करने वाले ठग का भोपाल पुलिस की साइबर टीम ने किया पर्दाफाश। आवेदक डीएन खरी की पत्नी सरिता खरे द्वारा मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी पुत्री के लिए लड़का देखने हेतु प्रोफाइल बनाई थी। अज्ञात मोबाइल नंबर द्वारा फोन करके स्वयं का नाम अभिषेक शर्मा बताकर शादी के बारे में बात की तथा अपने व्हाट्सएप से आवेदक की पुत्री से बात की एवं आवेदक व उसकी पत्नी और पुत्री को भरोसे में लेकर शादी की खरीदारी करने का बोलकर 35,000 रुपए एवं 15,000 रुपए कुल 50,000 रुपए आवेदक की पुत्री से धोखाधड़ी पूर्वक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपने फोन खाता में ट्रांसफर करवा लिया, जिसके संबंध में आवेदक द्वारा कार्यालय साइबर क्राइम भोपाल में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके आवेदन जांच व तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी मोबाइल नंबर एवं खाता के उपयोगकर्ता के विरोध में अपराध धारा 420 भादवी का पंजीवत कर विवेचना में ले लिया गया है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। ये साइबर ब्रांच भोपाल के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें जो साइबर फ्रॉडस्टर है, इसने जीवनसाथी.com पर और अन्य मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी फर्जी प्रोफाइल बनाकर ये शादी की बात करता था और उसी में लोगों से नज़दीकियाँ बढ़ाकर, जो भी फरियादियाँ रहती थी उससे नज़दीकियाँ बढ़ाकर उससे पैसे ऐंठता था। इसमें आरोपी जो है वो गाजियाबाद का रहने वाला है और वहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। इसमें हम लोगों ने अभी उसे गिरफ्तार किया है, जिसमें अभी जो जिस केस में गिरफ्तार किया उसमें उसने करीब 40-50 हज़ार रुपये की इसमें धोखाधड़ी करी थी। फरियादियाँ जो है उसने अपनी पुत्री के लिए विवाह के लिए एक प्रोफाइल बनाई थी, जिस पर इसने धोखाधड़ी करी। सर, इससे पहले भी अपराधी इस तरह की घटना को अभी हम लोग उसका टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ मिलता है हमें इस प्रकार के ट्रांजेक्शन तो बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।